जी ऐसा है कि आप प्रश्न ऐसा है, आप नाराज मत होइएगा, मेरी शादी नहीं हो रही प्रभु जी, और इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। शादी क्यों नहीं हो रही है आपकी? लोग भी इस प्रश्नोत्तरी को YouTube पर देख ही रहे हैं, जो YouTube पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। राधे राधे महाराज के प्रिय भक्तों, मेरे गिरधर गोपाल चैनल पर नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की कथा के साथ साथ एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी चलता है, जिसमें कोई भी कुछ भी सवाल पूछ सकता है, जिसका उत्तर महाराज जी बहुत ही सुंदर और सटीक तरीके से उदाहरण के साथ समझा देते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में मुंबई में रहने वाला एक व्यक्ति महाराज जी से बोला कि गुरु जी, मेरी शादी नहीं हो रही है, मैं मुंबई में फिल्म जगत में काम करता हूँ। इस पर देखिए महाराज जी क्या बोल रहे हैं। आज की प्रश्नोत्तरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। प्रभु जी, मैं बम्बई से आया हूँ और आपको फॉलो करता रहा और मेरा मन बड़ा व्याकुल हुआ, मैं अपना सारा काम छोड़ के आया। बहुत ही मैं मतलब और मुझे आने में ऊपर बढ़ गई और जी। प्रभु जी, मुझे आने में रास्ते जुड़ते गए और ट्रेन का टिकट भी बहुत जल्दी मिल गया, जो इम्पॉसिबल था। तो ये सब आपकी कृपा थी प्रभु जी, बिहारी जी की कृपा थी। तो प्रभु जी, मैं क्या बता सकता हूँ, मैं फिल्म लाइन में काम करता हूँ प्रभु जी, और मैंने 16 वर्ष दिए हैं। तो प्रभु जी, ऐसा है कि आप प्रश्न ऐसा है, आप नाराज मत होइएगा, मेरी शादी नहीं हो रही प्रभु जी, और इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। शादी क्यों नहीं हो रही है आपकी? प्रभु जी, उसका एक कारण था, मैंने 16 वर्ष बम्बई में दे दिए। तो बम्बई में रहने वालों की शादी नहीं होती? नहीं गुरु जी, ऐसा मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, मैंने वहाँ अपनी पढ़ाई करी, फिर बॉम्बे चला गया तो रिश्तेदारी से दूर हो गया। हाँ, ये बात थी। तो बम्बई में लड़कियाँ नहीं मिलती क्या? प्रभु जी, चक्कर क्या है प्रभु जी, मैं जो है कि प्याज और वगैरह ये सब नहीं खाता हूँ। प्याज वगैरह और मतलब सादा भोजन करता हूँ। हाँ, वहाँ की लड़कियाँ थोड़ा दूसरी तरफ टाइप का भोजन करती हैं, क्योंकि मेरी लाइन दूसरी थी। किस टाइप का भोजन करती हैं वहाँ की लड़कियाँ? मतलब नॉन वेज वगैरह खाती हैं। तो आप जैसे गाँव से हो, शहर से हो? जी मैं गाँव से हूँ, मेरा गाँव कानपुर में है। तो कानपुर के आस पास की लड़कियों को मुनादी दिलवा दो। नहीं, मुनादी जानते हो? नहीं जानते। मुनादी होती है गांव में जी। गांव का एक आदमी जाता है गांव में, आवाज लगा, सुनो ये लड़का बम्बई में रह के आया, जिसको अपनी बेटी का विवाह करना हो इसके साथ कर सकता है। ऐसे तो वहाँ की लड़कियाँ गांव की ठीक रहेंगी आपके लिए? नहीं गुरु जी, वो जहाँ के आप हो जी, वहीं के आसपास लोगों से विवाह करना चाहिए जी, है ना? ठीक है। हो जाएगी शादी? कितने साल के हो? गुरुजी 40 वर्ष उम्र हो गई है मेरी। अरे तो जल्दी कर लो आप। हाँ जी, देख लो आपके लिए कोई लड़की। आप YouTube पे आपको सब देख रहे हैं जी, आप बोल दो कि हमें कोई पसंद करे तो संपर्क कर लेगा। गुरुजी ऐसा आपका आदेश गुरुजी। राधे राधे। ठीक है, ठीक, खुश रहिए। शादी.com में गए कि नहीं? अरे शादी.com में जाओ। सही है। राधे राधे गुरुजी। जी। तो मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं मुंबई से आया हूँ, मैं अपने माता पिता के साथ आया हूँ, इधर बैठे हैं। तो मेरी मम्मी जो है कथा लगाती है, सुनती है, तो हम लोग भी सुनते हैं। तो मेरा एक प्रश्न था, मेरा नहीं था, मेरी बुआ का था। तो मेरी बुआ का ये प्रश्न था कि हमारे जीवन का अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है? मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है, मीन्स उद्देश्य क्या है? हाँ। यही ना, उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य है समाज की सेवा करना। हम मनुष्य बने हैं तो हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हर जीव जंतु से लेकर हर मनुष्य की सेवा। अपना भला तो सब कर सकते हैं, पर जो दूसरों का भला करे वही मनुष्य है, और समाज की भलाई के लिए ही भगवान ने आपको मनुष्य शरीर दिया है। तो जीवन का अर्थ है मानव सेवा। थैंक यू। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। कथा के दौरान गुरु जी बताए जाते हैं जैसे कि गुरु और भगवान। हाँ। अंतर तो मेरे ख्याल से गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है।
तो वही आप जैसे बता देते हैं कि गुरु और भगवान अलग है, तो मेरा कहना है कैसे कैसे हो सकता है, गुरु हमें भगवान तक जाने का रास्ता तो गुरु ही बताया, तो मेरे लिए तो गुरु ही भगवान है। गुरु को भी भगवान के तुल्य माना गया है, पर भगवान नहीं, भगवान के तुल्य समझना और भगवान समझना दोनों बातें अलग हैं। गुरु मार्गदर्शक है तो गुरु को भी भगवान की तरह आदर करना है, पर गुरु को ही भगवान नहीं मान लेना है, भगवान की तरह ही रखना है उसे, भगवान की तरह और भगवान दोनों बातें अंतर है ना, जरा सा अंतर है बस समझदार के लिए। गुरु होता है मार्गदर्शक, बिना गुरु के मैं भगवान को जानता ही नहीं हूँ, तो बिना गुरु के जब भगवान को नहीं जानता तो इसलिए पहला प्रणाम गुरु को, पहला प्रणाम किसका, गुरु को। पहला प्रणाम गुरु का, दूसरा प्रणाम भगवान का। लेकिन गुरु का भी उद्देश्य क्या है, भगवान तक पहुंचाना, पहुंचाने का जी। गुरु कभी ये नहीं कहता कि जी मैं ही भगवान हूँ, वो कह देगा तो वो पतित हो जाएगा। जी गुरुदेव, वो कभी नहीं, कोई भी गुरु नहीं कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। हाँ, तो आप लोगों को भी चाहिए, आप शिष्यों को भी चाहिए कि गुरु को भगवान के तुल्य समझो, पर भगवान को भगवान को भगवान को ही भगवान समझो, गुरु को भगवान के तुल्य। अभी जैसे गुरुदेव जीते जगता सबको दिख रहा है, साक्षात आप द्वारिकाधीश लगते हैं, साक्षात द्वारिकाधीश लगते हैं, तो कैसे हम नहीं माने कि आप भगवान नहीं है, नहीं हो सकते। हम भगवान नहीं, देखो ये तो हम जानते हैं ना कि हम कौन है जी, बिल्कुल। हम तो सांसारिक प्राणी हैं जी, जो बुराई एक इंसान में है, सामान्य व्यक्ति में, वो सारी बुराइयां हमारे अंदर हैं। क्या हमें गुस्सा नहीं आता, आता है। क्या हमें काम नहीं सताता, सताता है। क्रोध नहीं सताता, सताता है। लोभ नहीं सताता, सताता है। अभी जितनी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, क्या नहीं है हमारे भीतर। वो तो आपकी पवित्र दृष्टि है कि आपको भगवान के रूप में दिखता है गुरु, लेकिन गुरु भी वो इंसान है जो संसार से, संसार की माया में उलझा हुआ होता है, परंतु भगवान की शरण में यदि है और भगवान चाहे तो उस माया से प्रभु बचा सकते हैं, बचा लेते हैं। वरना पतन तो सबका होता है, यदि फिसल गया भगवान से दूर हुआ तो, और भगवान से जुड़ा रहा तो सबका कल्याण होता चलता। इतना आसान नहीं है गुरुदेव ये संसार में रह के और भक्ति करना। पर मेरे अंदर तो बहुत सारी बुराइयां हैं, मेरे अंदर तो करोड़ों हैं, एक दो गिनाए क्या। गुरुदेव कुछ भी नहीं, कोई बुराई नहीं दिख रहा है, कैसे इतना सहनशील कैसे बने, मुझे भी थोड़ा सा वो दीजिए ज्ञान। जो कि मैं, कहावत सुनी आपने, दूर के ढोल सुहावने होते हैं जी, बिल्कुल। जब आप कभी कभी गुरु जी को देखते हैं, कभी कभी आप दूर से देखते हैं, गुरु भगवान के तुल्य होते हैं। मैं खुद अपने गुरु जी को भगवत तुल्य मानता हूँ, अब तो हमारे गुरु जी भगवत धाम चले गए, लेकिन जब तक थे और आज भी ये भावना है कि हमारे गुरु जी, गुरु जी ना होते तो हम होते ही नहीं, मतलब होते तो कुछ और सांसारिक कार्यों में लिप्त होते, तो गुरु जी ने ही उठा करके वहाँ से इस राह तक पहुँचाया, प्रभु से परिचय कराया, तो भगवत तुल्य तो गुरु जी हैं। लेकिन हम तो अपनी बात, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं तो सांसारिक प्राणी हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सांसारिक हूँ, मेरे अंदर कुछ विशेष नहीं, आपके अंदर जो है उससे भी कुछ कम मेरे अंदर कुछ होगा, ज्यादा कुछ नहीं है। आप देखो ना, मैं तो आप लोगों को बहुत महान समझता हूँ। आप में से कितने लोगों ने बिहारी जी का दर्शन आज किया, देखो आप लोगों ने आज दर्शन किया, शायद कल भी दर्शन किया हो, शायद कल भी करेंगे, लेकिन मुझ जैसे अभागी और पापी को देखिए कि आप तो दस, आप तो हजार किलोमीटर दूर से आए, 500 किलोमीटर दूर से आए, और आपने आकर के रोज ही दर्शन किया बिहारी जी का। हम तो यहाँ रह के भी इतने बड़े पापी हैं कि यहाँ रह के भी दर्शन नहीं रोज कर पाते, तो अब हम कैसे मान लें कि हम आपसे श्रेष्ठ हैं। हमें तो लगता है आप लोग सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं, कि इतनी दूर से आकर के भी रोज भगवान का दर्शन करते हैं, रोज कथा सुनते हैं। हम तो ऐसे अभागे हैं कि यहाँ रह के भी हम दर्शन करने नहीं जा पाते, तो हम तो बड़े पतित हैं, बड़े अभागी हैं। वो तो आपका बड़प्पन है गुरुदेव, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु जी जय श्रीमन्नारायण, आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ।
गुरु जी आपकी कथा में इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कि 1.5 साल के अंदर हमने ये तीसरी बार गौरी गोपाल और बाकी बिहारी का दर्शन करने का अवसर मिला। गुरु जी आपके कथा में इतनी स्पष्टता है कि हर भ्रम इंसान का दूर हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा एक जगह गुरु जी हमको भ्रम है वो हमको दूर कर दीजिए। जैसे गुरु जी कथा में आप सुनाते हैं कि श्री रामचंद्र जी के पास प्रभु श्री रामचंद्र के बाद जब सुपर्णखा श्री रामचंद्र के बाद जब सुपर्णखा विवाह का प्रस्ताव लेकर आई थी तब उसने कहा प्रभु हमसे विवाह कर लीजिए, तब उन्होंने कहा कि जाइए आप लक्ष्मण के पास, जबकि लक्ष्मण भी शादीशुदा थे तो उन्होंने लक्ष्मण के पास क्यों भेजा गुरु जी? भाई राम जी ने भेजा शादी करने के लिए थोड़ी भेजा। अच्छा, राम जी ने तो मजाक में कह दिया कि भाई देखो हमारा तो विवाह हो गया, हमारी पत्नी तो साथ है, लक्ष्मण जी की पत्नी साथ नहीं है, बात कर लो। यदि ये कर ले तो भाई पहले के ज़माने में तो 2-3 शादी लोग कर लेते थे, तो लक्ष्मण जी से तुम बात कर लो। तो राम जी ने तो यूँ ही विनोद में, क्या भगवान मजाक नहीं कर सकते? नहीं सर कर सकते। तो यूँ ही विनोद में मजाक में कह दिया जाओ लक्ष्मण जी हमारे जंगल में है, इनकी पत्नी भी नहीं है, हमारी पत्नी तो साथ है, तो जाओ बात कर लो। तो लक्ष्मण जी ने नाक और काट दी। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। तो संदेह समाप्त हुआ। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे गुरु जी। गुरु जी बच्चे छोटी छोटी बस से आपको वृद्ध माताओं को कुछ सहयोग करना चाहते हैं। वाह खुश रहिए, आपके चरणों में मेरा कोटी कोटी पैर। खुश रहिए। कल मेरा मैरिज डे था गुरु जी, कल मेरा मैरिज डे था, हम आए थे आपसे आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन प्रश्नोत्तरी में आप नहीं आए थे, तो आज आशीर्वाद दे दीजिए हमको कि मैं सदा सुहागन रहूं। बिल्कुल सुहागन रहिए। आप मतलब टीवी में मोबाइल में देखते हैं, उससे भी आप भोले भाले एकदम श्री कृष्ण जी के जैसे लगते हैं, एकदम श्याम जी जैसे लगते हैं आपको। हम देखते हैं तो एकदम सोचते हैं कि इतना बच्चा, इतना छोटे बच्चे, इतना बड़ा जिम्मेदारी कैसे लेकर चलते हैं, हम लोग बहुत सोचते हैं। आपको देखते हैं तो एकदम बच्चा के समान दिखते हैं आप, आपको मन करता है कि हम खिलाएं, ऐसा लगता है एकदम गोलू मोलू दिखाई देते हैं आप, एकदम कृष्ण कन्हैया जैसे। आप पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए हैं, अभी भी कर रहे हैं, आप तो एकदम भगवान हैं। हम सब भगवान के दास हैं और भगवान ही सारा काम संभाले हैं, हम सब तो बस जैसे गिलहरी है ना जी, राम जी के साथ कौन चल रही है, गिलहरी जी, बस हम लोग वो गिलहरी हैं जी। अरे आप में जो लक्षण है वही में नहीं है, खुश रहिए। दोस्तों महाराज जी की प्रेरणादायक बातों से हर कोई प्रेरित होता है, अगर आपको भी महाराज जी की बातें प्रेरित करती हैं तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा, क्योंकि यही वह एक ऐसा नाम है जिसे लेने मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। मिलती हूँ नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।